सोया तेल में हाजिर मांग का दबाव अच्छा रहने और सप्लाई प्राप्त नहीं होने के कारण सोया तेल की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। सोयाबीन तेल इंदौर में 10 रुपए बढ़कर 1315 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है, जबकि शॉर्ट कवरिंग के चलते सीबोट सोयाबीन और डॉलर में मजबूती के सपोर्ट के कारण भारतीय बाजारों में घटते दामों में रुकावट आई है। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में कुछ कमजोरी देखने को मिली है। ITS के अनुसार मलेशिया का पाम तेल एक्सपोर्ट 1 से 20 नवंबर के बीच 9.61% बढ़कर 9,97,216 टन पाम तेल का एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं मलेशिया ने 1 से लेकर 20 अक्टूबर तक 9,09,870 टन पाम तेल का एक्सपोर्ट किया था। वहीं सोपा के अनुसार 1 से 20 नवंबर के बीच पाम तेल के उत्पादन में 12.39% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सोमवार को देश भर में सोयाबीन की आवक 8,75,000 बोरी रही, जिसमें से मध्य प्रदेश में आवक 4 लाख बोरी की देखने को मिली। प्लांटों को इससे ज्यादा आवक की आवश्यकता है। उधर छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन के भाव की बात की जाए तो भाव 5500 से लेकर 5700 रुपए और वहीं एवरेज 4800 से 5100 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।